हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, गोरखपुर मंडल में नहीं है कोरोना का संक्रमण। अब तक मिले पॉजिटिव मरीज दिल्ली से रेफर, बरती जा रही है चौकसी। अब बिना स्कैनिंग के कोई एम्बुलेंस नहीं जाएगा गाँव में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने लिया बेसिक स्कूलों में ई लर्निंग शिक्षा की तैयारियों का जायजा। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को दी जाए शिक्षा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने संबंधित बैठक। कहा, बाहर से आने वाले सभी एम्बुलेंसों की हो जांच, बढ़ाई जाए चौकसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश ने पेश की मानवता की मिसाल। अपने कर्मचारियों के सहयोग से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जिलाधिकारी के माध्यम से दिया 5 लाख की सहायता राशि। कहा, कोरोना की जंग में हो सकेगी मदद। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व डीआईजी राजेश जी मोदक ने महाराजगंज जनपद के ग्राम सभा रतनपुरवा का किया निरीक्षण। पूरे गांव को सील कर सैनिटाइज कराने के दिए निर्देश। कहा, जिले के बॉर्डर पर बरती जाए विशेष सतर्कता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम व एसएसपी ने किया पूर्वांचल डेंटल कॉलेज व संत कबीर नगर की सीमा पर कसरोल स्थित चेक प्वाइंट का निरीक्षण। एक जिले से दूसरे जिले में अप डाउन करने वाले लोगों का डाटा तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, बिना जांच के कोई एम्बुलेंस नहीं जाएगी अस्पताल। एसपी सिटी ने गुरुवार को महानगर के प्रमुख चौराहों के नाकाबंदी स्थलों का किया निरीक्षण। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी के निधन पर निगम में आयोजित हुआ शोक सभा। महापौर, नगर आयुक्त सहित पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। भलोटिया दवा मार्केट के सभी प्रवेश द्वार पर पानी की टंकी, वॉश बेसिन और हैंड वॉश की गई व्यवस्था। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, शासन प्रशासन का करें सहयोग, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए करें सुमन के पद्धति का पालन। गुरुवार को मौसम ने ली करवट, हुई झमाझम बारिश, गिरा तापमान। शहरी क्षेत्रों में लोगों को मिली गर्मी से राहत, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के फसलों का हुआ नुकसान। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रमुख अधीक्षक ने ओपीडी कक्ष के बाहर वॉशबेसिन की व्यवस्था। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए होमगार्डों की गई तैनाती। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया पुलिस कर्मियों को सम्मानित। बरगदवा चौराहे पर एसएसपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को पहनाया अंगवस्त्र, शंखनाद के साथ किया पुष्प वर्षा। और गुरुवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। शहर में अनावश्यक घूमने वाले लोगों को 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठा कर दी गई सजा।